वही खबर भोपाल से, जहां महापौर मालती राय ने किया निरीक्षण अल्पना टॉके चौराहे का। चौराहे पर जलभराव की स्थिति की समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। थोड़ी सी बारिश होने के बाद चौराहे पर 2 फीट तक पानी भर गया था। कल शाम को महापौर ने बताया जल्द ही समस्या को दूर किया जाएगा। कल यहाँ से मैं निकली थी और पानी का भराव मैंने देखा था, इसलिए आज सभी अधिकारियों को बुलाकर, चूंकि यहाँ पीडब्ल्यूडी का रोड सैंक्शन है तो पीडब्ल्यूडी से भी हमने बुलाया है और दोनों साइड पीडब्ल्यूडी 2 फीट का नाला बना रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 4 फीट का नाला दोनों तरफ बन जाए और 3 रोड क्रॉस बन जाए तो इस क्षेत्र की पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। और उसी संबंध में पीडब्ल्यूडी वालों को भी बुलाया है, नगर निगम के सभी अधिकारियों को भी बुलाया है और परमानेंट इस चौराहे की समस्या का समाधान हो जाए ऐसा हमारा प्रयास है। 12 टाकिस तक भी रहेगा, ये यहाँ से रोड क्रॉस बनेगा, एक रोड क्रॉस यहाँ बनेगा, एक रोड क्रॉस आगे संगम तिराहा जो आ रहा है वहाँ पर बनेगा और एक रोड क्रॉस छावनी के बाद 12 टाकिस वाला जो एरिया है वो पूरा पानी निकाल सके वहाँ पर बनेगा और आगे जाकर वो पात्रा में मिलेगा। इस तरह का नाला वो अभी देखने जा रहे हैं और क्या हो सकता है उसको भी देख रहे हैं। कई जगह पानी का भराव हो